कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है। चैप्टर टू में एक के मुकाबले क्या खास था, डिप टू ब्लैक सीक्वेंस कैसे दिखाए जाते हैं? दोस्तों, अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्टर प्रशांत नील की मूवी फ्रेंचाइजी KGF के बारे में, जिसका थर्ड चैप्टर कंफर्म कर दिया गया है खुद चैप्टर टू में ही। तो गाइज, रिसेंटली ही KGF चैप्टर टू ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में 1000 करोड़ रुपए के मार्क को क्रॉस किया है। उसी के लिए मेकर्स को बहुत ही ज्यादा कंग्रेचुलेशंस। लिटरली कहीं ना कहीं हम सब जानते ही थे कि KGF चैप्टर टू इस मार्क को क्रॉस जरूर करेगा। KGF चैप्टर टू में जहां हम एक लेजेंडरी मूवी की एंडिंग देखते हैं, तो वहीं क्रेडिट सीन्स में हमें मिलता है एक सरप्राइज चैप्टर थ्री का कंफर्मेशन। जैसा कि हमने देखा था कि चैप्टर वन में जो पैटर्न चल रहा था, चैप्टर टू में प्रशांत नील ने उस पैटर्न में थोड़े चेंजेस किए थे, तो अगर उसी हिसाब से देखे तो चैप्टर थ्री में भी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। चैप्टर वन में हमें जब भी कोई व्हीकल रिलेटेड एक्शन सीन दिखाया गया था तो उसमें डायरेक्ट कट्स लगाए गए थे, जिस वजह से ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा मजा आया था उन सीन्स में। इनडायरेक्टली ऑडियंस अपने अकॉर्डिंग कैसा भी इमेजिन कर सकती थी कि रॉकी ने वहाँ पर्टिकुलरली क्या किया था। वहीं दूसरी तरफ चैप्टर टू में हमने देखा कि जब रॉकी रीना को बचाने के लिए निकलता है तो एक शानदार कार सीक्वेंस दिखाया जाता है, लेकिन इस बार इस सीन में डायरेक्ट कट्स नहीं थे बल्कि डिप टू ब्लैक का इस्तेमाल किया गया था। डिप टू ब्लैक मूवीज में यूज होने वाला एक इफेक्ट है, जिसमें कोई भी सीन की शुरुआत भी ब्लैक फेड से ही होती है और एंडिंग भी ब्लैक फेड आउट से होती है, लेकिन ये थोड़ा तेजी से होता है जिस वजह से इसे डिप टू ब्लैक कहते हैं। तो इसी फंडे का इस्तेमाल किया गया था उस सीक्वेंस में, जहां हर 3 से 4 सेकंड के बाद डिप टू ब्लैक आता है और 4 से 5 सेकंड का शॉट कट कर दिया गया। इनडायरेक्टली ये सीन काफी लंबा हो सकता था जो कि ऑडियंस को बोरिंग भी लग सकता था, लेकिन प्रशांत नील ने स्मार्टली डिप टू ब्लैक का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ इस सीन को छोटा किया बल्कि और भी ज्यादा एपिक तरीके से शोकेस भी किया है। और दोस्तों, यही फंडा हमें चैप्टर थ्री में भी कंटिन्यू होता नजर आ सकता है। अब आपके अकॉर्डिंग चैप्टर टू का कौन सा एक्शन सीक्वेंस सबसे ज्यादा शानदार था और हाईली अनएक्सपेक्टेड भी, अपने जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब रही बात हमारी, तो हम आपको बताएंगे कि चैप्टर टू की सक्सेस के बाद चैप्टर थ्री के बारे में मेकर्स ने कौन से खास बड़े खुलासे किए हैं, लेकिन हमारी अगली वीडियो में। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारे आज के राइटर है अभिषेक मिक्की।